गुड मॉर्निंग बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि विद्यार्थियों और मेरे प्यारे मित्रों, हम त्रिकोणमिति के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ रहे थे और हमने कल एक बाएं हाथ की ट्रिक पढ़ी थी और जिसमें मैंने आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इनके मान निकालने बताए थे। तो मैं आज आपको इस मानों में से आपको एक सारणी होती है जो साइन थीटा के सभी मानों की सारणी होती है, इस सारणी की भी एक ट्रिक बता देता हूँ आज। और उस ट्रिक के बाद में हम कुछ इम्पोर्टेंट मान होंगे वो मान भी याद रखेंगे और उसके बाद में आज के प्रश्न हल करेंगे। तो मित्रों, आप सभी का सहयोग चाहिए और आपका सहयोग यही है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना। तो आज हम त्रिकोणमिति के जो सारणी के मान थे वो मान पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि मैंने आपको एक मान बताया था कि हमने साइन के मान ज्ञात किए थे, कॉस के मान ज्ञात किए थे और टेन के मान ज्ञात किए थे। हम कॉट के भी मान ज्ञात कर सकते हैं, सेक के भी ज्ञात कर सकते हैं और कॉसेक के भी ज्ञात कर सकते हैं। साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, कॉट का मान, सेक का मान और कॉसेक का मान। मान ज्ञात करने के लिए हमें किन किन के मान ज्ञात करने हैं तो देखिए, सबसे पहले हमें साइन जीरो का मान, फिर साइन तीस का मान, साइन पैंतालीस का मान, साइन साठ का मान और साइन नब्बे का मान। इसी प्रकार हम इसको मान को इस टेबल के रूप में याद करेंगे। यदि आपको मान याद है तो अच्छी बात है, और याद रहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, अन्यथा मान याद नहीं भी करेंगे तो भी हम आर्मी की तैयारी करने वालों के लिए या एयरफोर्स की जो तैयारी करते हैं जिनमें सामान्य त्रिकोणमितीय के प्रश्न आते रहते हैं वो हम सब मान याद कर सकते हैं। तो एक मैं आपको आज एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक से आपको कुछ मान याद हो जाएंगे और कुछ मान होंगे जो अपने काम के नहीं हैं, उन्हें आप याद भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो मैंने आपको कल साइन के मान बताए थे कि साइन का मैंने ये नियम बताया था, बाएं हाथ का नियम, और बाएं हाथ के नियम मैंने ये बताया था कि साइन जीरो का मान, यानी कि मैंने बताया था आपको कल भी बताया था कि जब हम ये करते हैं तो ये पहला अंगुली, छोटी अंगुली हमारा जीरो डिग्री, फिर तीस डिग्री, फिर पैंतालीस डिग्री, फिर साठ डिग्री, फिर नब्बे डिग्री। अब जीरो डिग्री है तो साइन जीरो का मान ज्ञात करना, जीरो डिग्री में छोटी अंगुली है, इस जीरो डिग्री से हम घड़ी की दिशा में, जब घड़ी की दिशा सुई सरती है, घड़ी की दिशा में ऐसी होती है, जीरो डिग्री से हम जब नीचे आते हैं तो हमारे अंगुलियों की संख्या कितनी है, इस अंगुली के बाद में कोई अंगुली नहीं, अंगुली संख्या जीरो है, और जीरो में हम दो का भाग लगेंगे तो भी जीरो ही आएगा, तो साइन जीरो का मान आ गया था हमारा जीरो। इसी प्रकार तीस का मान ज्ञात करना, तो तीस वाली अंगुली मेरी ये थी, इसके बाद एक अंगुली है तो एक अंगुली थी और बटे में दो लगाना है, और ऊपर वाले इस एक का वर्गमूल करते हैं, एक का वर्गमूल एक होता है तो साइन तीस का मान आएगा एक बटा दो। इसी प्रकार जब मैंने 45 का ज्ञात किया, 45 वाली मेरी ये अंगुली है तो दो अंगुलियां हैं, दो बटा दो, और ऊपर दो का रूट करना था तो ये उत्तर आएगा रूट दो बटा दो, यानी कि रूट दो बटा दो को जब हल करते हैं तो उत्तर आता है एक बटा रूट दो, क्योंकि नीचे वाले दो को हम रूट दो दो बार लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर रूट दो और नीचे खाली दो, यानी कि ऐसा मान अपना ऐसा था, दो अंगुली थी ऊपर, बटे में दो है, यानी कि ऊपर वाले का वर्गमूल करना है, इस प्रकार होता है। तो इस दो का रूट दो दो बार आता है, ऊपर वाला एक कट जाता है और शेष रहता है वो रह जाता है एक बटा रूट दो। तो आपको साइन पैंतालीस का मान याद रखना है, और याद रखने के लिए क्या करना है कि साइन पैंतालीस का मान होता है एक बटा रूट दो, फिर साठ का मान ये होती है साठ वाली अंगुली, साठ के बाद में एक दो तीन, तो तीन का वर्गमूल बटा दो, तीन का वर्गमूल बटा दो। इसी प्रकार नब्बे का मान ज्ञात करना है तो एक दो तीन चार, चार का वर्गमूल होता है दो और बटे में दो, और दो में दो का भाग एक बार। आपको सिर्फ एक लाइन यदि याद है तो
तो हम सारी मान याद कर सारणी के लिख सकते हैं। अब क्या आता है कि साइन में हमने कोई गाड़ी चलाई तो गाड़ी गई थी, और जो भी कोई गाड़ी जाती है तो वो वापस भी आती है। तो साइन 90 का जो मान होता है वो कॉस 0 का होता है, साइन 60 का जो मान होता है वो कॉस 30 का होता है, और जो कॉस 45 का मान होता है वही साइन 45 का भी मान होता है, जो साइन 30 का मान होता है वो कॉस 60 का होता है, और जो साइन 0 का होता है वो कॉस 90 का होता है। उल्टा है, जो साइन 0 का मान था वो कॉस 90 का होगा, और जो साइन 90 का था वो कॉस 0 का होगा। अब क्या करना है, दो मान हमें याद हो गए, तीसरा मान मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था कि टेन का मान याद करने के लिए साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान का भाग देंगे। हमेशा ध्यान रखना टेन बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो 0 में 1 का भाग दिया तो उत्तर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर 0 आता है। 1/2 में 1√3/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, उत्तर आएगा 1/√3। √1 में 1/√2 का भाग दिया तो सेम संख्या का भाग देंगे, उत्तर आता है 1। √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, उत्तर आएगा √3/1, जिसे हम कह सकते हैं केवल √3, क्योंकि बटे में 1 है, 1 का भाग देने से वही संख्या आती है। 1 में 0 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा अनंत या नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, जिसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित, या हमें कोई मान इसका मान हम फिक्स परिभाषित नहीं कर सकते, यानी कि कोई बता नहीं सकते कितना होगा। अगर जो मान 10 का था वही मान तो वापस आएगा, क्योंकि गाड़ी गई आई वापस आएगी तो वापस आएगी, तो जो मान 10 90 का है वही मान कॉट 0 का होगा, तो नॉट डिफाइंड। जो मान 10 60 का था वो कॉट 30 का हो जाएगा, जो मान 10 45 का है वो कॉट 45 का हो जाएगा, जो मान 10 30 का है वो कॉट 60 का हो जाएगा, और जो मान इसका है टेन 0 का वो कॉट 90 का हो जाएगा। यहां पर क्या हुआ, ये मान ऐसे घूमे, यहां पर ऐसे घूमे, तो एक लाइन याद थी, दूसरी होगी दोनों लाइनों का भाग, पहली लाइन में दूसरी लाइन का भाग दिया तीसरी लाइन आ गई, तीसरी लाइन का उल्टा किया तो चौथी लाइन आ गई, इनकी 4 मान हमें प्राप्त हो गए। इस प्रकार अब हमें सेक का मान ज्ञात करना है, तो सेक का मान ज्ञात करने के लिए जो कॉस के मान है इसको उल्टे कर दो, यानी कि 1/1 ही तो होता ही है, और 1/1 का उल्टा भी क्या आता है, 1 ही आता है। √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा होता है √2, और 1/2 का उल्टा होता है 2, और 0 का उल्टा होता है, 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि 1/0 और 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित। इसी प्रकार अब यदि आप इसको उल्टा लिखो, यानी ये मान गए तो ये मान वापस आएंगे, ये भी सेम आएंगे, और ये आप लिखोगे तो ये भी सेम आएंगे। जैसे देखो इसका उल्टा, 0 का उल्टा है नॉट डिफाइंड, क्योंकि कोसेक का मान साइन का उल्टा होता है, तो 0 का मान आ गया नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा होता है 2, 1/√2 का उल्टा है √2, √3/2 का उल्टा है 2/√3, और 1 का उल्टा होता है 1। ये देख लो, 1 यहां था यहां आ गया, 2 यहां था 2 यहां आ गया, √3 यहां चल गया, ये नीचे नीचे आ गया। तो इस प्रकार से हमारी सारणी में हम सारे मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको क्या याद रखना है मैं बता देता हूं, आपको एक मान याद रखना है, ये साइन 45 का मान कॉस 45 का मान आपस में बराबर होते हैं, साइन 45 बराबर कॉस 45। दूसरा याद रखना है टेन 45 बराबर कॉट 45, दो ये मान याद रखने, और तीसरा याद रखना है आपको कि सेक 45 बराबर कोसेक 45। ये तीन ट्रिक बन गई, तीन संबंध बन गए, कि साइन 45 कॉस 45 बराबर होते हैं, टेन 45 कॉट 45 बराबर होते हैं, सेक 45 कोसेक 45 बराबर होते हैं। तो 6 मान तो आपको ये याद रखने हैं, और एक मान आपको याद रखना है टेन वाला, टेन 30 वाला, टेन 60 वाला, कोसेक 0 वाला, साइन 0 वाला, और 90 वाला, और ये 90 वाला। कितने मान आपको याद रखने हैं, तो आपको मान याद रखना है 1,
दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। पूरी सारणी से अपने को 12 मान याद रखने हैं। इन 12 मानों की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं याद रखने की। तो पहले आप सारणी को नोट कर लीजिए। बारह मान में आपको याद करने की ट्रिक बताता हूं। तो बारह मान याद रखने की ट्रिक है, पहली ट्रिक है वो है साइन 45 बराबर कॉस 45 बराबर 1/√2, टेन 45 बराबर कोट 45 बराबर ऊपर क्या है एक, सेक 45 बराबर कोसेक 45 बराबर नीचे क्या है 1/2। यानी कि देखो साइन 45 कॉस 45 का मान 1/√2 है, टेन 45 कॉट 45 का मान 1 है, सेक 45 कोसेक 45 का मान √2 है। फिर आप लिखोगे साइन 0 बराबर कोस 90 बराबर 0, फिर लिखोगे साइन 90 बराबर कोस 0 बराबर 1, फिर आप लिखोगे टेन 30 बराबर 1/√3 और टेन 60 बराबर √3। 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दो मान यहां हो गए, दो ये चार, दो छह, दो आठ, दो दस, 11 और 12 ये मान आपको याद रखने। इन मानों को याद रखने के लिए आपको कि याद रखना है कि साइन 45 कॉस 45 1/√2 होते हैं, टेन 45 कॉट 45 एक होता है, सेक 45 कोसेक 45 √2 होते हैं, साइन 0 कॉस 90 0 होता है, साइन 90 कॉस 0 एक होता है, टेन 30 1/√3 होते हैं, टेन 60 √3 होते हैं। 3-4 बार आप इस प्रकार पढ़ोगे तो आपको 100% याद हो जाएंगे, क्योंकि अपने को जब इस प्रकार के मान डायरेक्ट याद होंगे तो हमें कुछ क्वेश्चनों के करने के लिए सारणी की प्रॉब्लम नहीं आएगी और वेरी फास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब क्या आता है, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आती है जो मैं बता देता हूं इसके साथ साथ आपको। काफी बार हमें ये पूछा जाता है कि साइन का मान किस पर निर्भर, किन किन के बीच में आता है। तो साइन थीटा का मान होता है, या कोई फैक्ट है तो याद रखने, तो साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच में होता है। हमेशा इसका मान यही होता है। दूसरा मान आपको याद रखना है, कॉस थीटा का मान -1 से +1 के बीच में होता है। तीसरी बात आपको याद करनी है, टेन थीटा तथा कॉट थीटा का मान, टेन थीटा तथा कॉट थीटा का मान कोई भी वास्तविक संख्या होती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, प्लस अनंत से माइनस अनंत तक के बीच की होती है। और चौथी बात आपको याद रखनी है, सेक थीटा तथा कोसेक थीटा का मान -1 व 1 के बीच में कभी नहीं होता है। इनकी ये मान होता है जो -1 और 1 के बड़े ही होते हैं, -1 से भी छोटा हो सकता है या +1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 और इस 1 के बीच में कभी नहीं होगा सेक और कोसेक का मान। तो ये थे हमारे कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, जैसे कि हमें इस एक बात और याद रखनी है, यदि हमें कोई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस में सारे के सारे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस में दे रखे हैं, गुणा दे रखा है,
तो वहां पर हम साइन थीटा व कॉस थीटा के लिए थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे। अभी आप क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार आपको याद रखना है टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा के लिए थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे। इनकी जो प्रश्न करेंगे तब ये दो तरीके आपको प्रश्न पर आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है जो साथ में आपको याद रखने है। यदि अपने को सारणी लाल बटा काका वाला कल वाला फॉर्मूला प्लस इन पर इस प्रकार से ये जो हमारे ये फैक्ट है याद है, और साथ ही साथ आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखने हैं ताकि आपके थोड़े से माइंड में आएंगे। तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये एक सरल समीकरण है जो आपको हमेशा ध्यान रखने दी। इस प्रकार की मान लिखा है तो सीधा सीधा मान एक होता है, और यदि लिखा हुआ आ जाए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो इसको हम लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साथ ही साथ में एक होता है वो होता है आपका कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वो होता है आपका एक। तो इस प्रकार से कुछ सरल समीकरण और है जो क्वेश्चन के साथ में लिखेंगे ना तो हमें ज्यादा समझ में आएगी। तो आपकी एक सरल समीकरण याद रखनी है, एक याद रखनी है, और यहां से आपके दो मान बन सकते हैं। यदि मुझे साइन स्क्वायर ज्ञात करना है तो लिख दूंगा एक माइनस कॉस स्क्वायर, और यदि मुझे कॉस स्क्वायर ज्ञात करना है तो लिख दूंगा एक माइनस साइन स्क्वायर। इतने से आपको यदि बात त्रिकोणमिति में याद है या अपन ध्यान रख सकते हैं तो हम किसी प्रकार का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलिए मैं आज आपको एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछता हूं कि कॉस थीटा का मान किस पर निर्भर करता है। कॉस थीटा का मान होता है क्या होता है, कौन बता सकता है, कोई भी 30 सेकंड में भी बता सकते हो कॉस थीटा का मान क्या होता है। तो कॉस थीटा का मान माइनस एक व एक के बीच होता है, ये इसका आंसर था। इसी प्रकार यदि पूछा जाता सेक थीटा का मान होता है तो इसका आप आंसर लिखोगे माइनस एक व एक के बीच छोड़कर सभी रियल नंबर, मतलब सभी वास्तविक संख्याएं, माइनस एक व एक को छोड़कर के सभी वास्तविक संख्याएं होती है वो सेक थीटा का मान होती है। इसी प्रकार पूछ सकता है टेन थीटा का मान होता है तो सभी वास्तविक संख्याएं, कॉट थीटा का मान हो सकता है, कोसेक थीटा का मान हो सकता है, ये छह प्रश्न बन सकते थे जो मैंने अभी आपको फैक्ट लिखे थे उसके ऊपर। फिर आता है हमारा कि इसके बाद में एक प्रश्न आता है हमारा, वो आता है कि साइन 10 डिग्री बराबर साइन 10 डिग्री बराबर 3/5 है तो कॉस 80 डिग्री टेन 10 डिग्री
80 डिग्री का मान क्या होगा। अब आपको ये प्रश्न लिखा हुआ है, इस प्रश्न से देखने से मैं कुछ भी पता नहीं चलता है कि कैसे मान ज्ञात करेंगे। तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम इस प्रकार की ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो वो हमारी समकोण त्रिभुज पर काम करेगी। यदि मैं ये मान मुझे पता है 90 डिग्री है तो इन दोनों का शेष दोनों का मान भी जोड़ेंगे 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और मुझे कह रखा है साइन 10 डिग्री, यदि मैं 10 यहां लिखूंगा तो ये हो जाएंगे हमारे 80, और यदि मैं 10 यहां लिखूंगा तो ये हो जाएंगे 80। तो मैंने 10 यहां लिख दिया और 10 यहां लिख दिया तो फिर क्या कह रहा है कि साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री 3/5 है। साइन का मान क्या होता है, तो मैंने कल एक संबंध बताया था साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये संबंध याद करे थे कल कुछ लिखे थे संबंध। अब लंब का मान 3 है तो ये हमारा लंब, क्योंकि थीटा के सामने वाले भुजा लंब होती कल बताई थी मैंने, कर्ण 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 3 और 5 आ गए तो 3, 4 और 5 का जोड़ा होता है, यानी कि हम ये भुजा आधार कैसे ज्ञात करेंगे। तो आधार ज्ञात करने के लिए या तो आप ये साइन थीटा मैंने यहां रख देता हूं, ये हो गया हमारा लंब बटा कर्ण। अब आधार ज्ञात करना है तो पहले देखो मैं सूत्र से ज्ञात कराता हूं। तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना देगा 25, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लंब 3 है तो 3 का हो जाएगा 9, 25 में से 9 गए तो आगे 16, यानी कि आधार का स्क्वायर आ गया हमारे पास वो आ गया 16। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा रूट 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी कि आधार हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। लेकिन आपको एक जोड़ा भी याद रख सकते हो कि 3, 4 और 5 का जोड़ा होता है, जिसमें या तो लंब 3 होगा या लंब 4 होगा, तो आधार 3 होगा कर्ण 5 होगा। एक जोड़ा होता है 5, 12, 13 का, यदि कर्ण 13 है तो आधार और लंब 5 और 12 में से होंगे और कर्ण इसमें से दोनों एक दूसरे का होंगे। इनके दो जोड़े भी आपको याद रखने हैं कुछ, यदि जैसे 3 और 5 है ये भुजा कितनी है तो हमें ट्रिक पता है कि 3, 5 और 4 का जोड़ा होता है, 3, 4, 5 का जोड़ा होता है तो 4 हो जाएगी। यदि यहां ले देता 5, 12 ये कितना है तो 5 और 12 है तो 5, 12 और 13 का जोड़ेंगे भुजा 13 हो जाएगी। ये रखनी पड़ती है ताकि हम क्या है कि इस प्रकार प्रश्नों को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास में मैंने ये भुजा आधार ज्ञात कर ली, ये मैंने पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात किया था। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको कर्ण ज्ञात करना हो तो इस भुजा का वर्ग करके जोड़ दो, वर्गमूल निकाल लो। यदि लंब ज्ञात करना है तो कर्ण वाले भुजा के स्क्वायर में से आधार वाले का स्क्वायर घटा दो और उसका फिर वर्गमूल कर दो, यानी जो मैंने अभी किया था। अब ये भुजा मेरे पास आ गई 4। अब पहला मान मुझे पूछा है कॉस 80 डिग्री का, तो 80 डिग्री पूछा है तो थीटा ये पूछा है तो ये भुजा हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी आधार और ये हो जाएगी कर्ण। तो कॉस थीटा का मान होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। तो लंब ये है तो आधार 3 है तो आधार बटा कर्ण यानी कि 3/5, ये हो गया हमारे कॉस 80 का मान। फिर टैन 10 का मान पूछा है, टैन 10 मतलब थीटा ये तो लंब ये आधार ये, और टैन का सूत्र होता है होता है लंब बटा आधार, तो लंब है 3 आधार है 4, तो ये हो गया हमारा टैन 10 का मान 3/4। इसी प्रकार कॉट 80 का पूछा है तो थीटा ये है 80 डिग्री पूछा है तो थीटा ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। थीटा के सामने वाला लंब होगा क्योंकि 80 के सामने भुजा देखनी है वो लंब है, तो 10 के पूछे तो 10 के सामने लंब है, 80 का पूछेगा तो 80 के सामने वाली लंब है। अब कॉट 80 पूछा है तो ये लंब हो गई, ये आधार है, ये करण है ही। अब कॉट का मान होता है आधार बटा लंब, क्योंकि टैन का उल्टा होता है तो लंब आधार बटा लंब, तो आधार है 3 लंब है 4, तो 3/4 आधार बटा लंब। 80 का पूछा गया तो आधार हो जाएगा ये और लंब हो जाएगा ये, तो ये हो गया 3/4। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक ये आपके हो गया इसका सॉल्यूशन, यानी कि लंब बटा आधार वाले फॉर्मूले से जो कल मैंने सिखाया था आपको ट्रिक। अब मुझे पूछा गया है कि साइन 20 बराबर 5/13 है तो
टेन सितर प्लस सेक सितर का मान कितना होगा। अब देखो यहां पर ये है, अब हमें साइन 20 का मान दीजिए, मैंने ये 20 ये मान ली, तो ये कितनी हो गई 70 होगी, क्योंकि तीनों का योग होगा वो 180 होगा। अब हमें पूछा है टेन 70 और सेक 70, साइन 20 ये मानी मैंने, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण का, तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, और अभी मैंने बताया था कि 5 12 और 13 का जोड़ा होता है, तो ये भुजा कितनी आएगी 12 आएगी। अब हमें पूछा गया टेन 70 और सेक 70, तो 70 के सामने भुजा लंब होगी, ये आधार हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी, क्योंकि जो थीटा है उस थीटा के सामने भुजा हमेशा लंब होती है। सेक टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार, और सेक का सूत्र होता है वो होता है क्या आ जाएगा कॉट का उल्टा, यानी कि कर्ण बटा आधार, क्योंकि टेन का हो जाएगा लंब बटा आधार और कॉट सेक का हो जाएगा वो जाएगा कर्ण बटा आधार कॉस का उल्टा। अब देखो लंब कितना आया था मैंने कहा ये लंब है, तो लंब है 12 आधार 5, कर्ण 13 आधार 5, लसप आ जाएगा 5, 12 और 13 कितने हो गए 25, तो उत्तर आ गया इसका 5, यानी कि इन दोनों का योग किया तो कितना आ गया 5 आ गया, ये था इसका आंसर। कैसे ज्ञात किया मैंने, साइन टेन का सूत्र था लंब बटा आधार, सेक का सूत्र था कर्ण बटा आधार, ये ट्रिक है, मैंने कल नाम बताए थे आपको कि कुछ याद रखने पड़ेंगे, लाल बटा कक्का वाला फॉर्मूला या पंडित बद्री प्रसाद अरर बोले उस फॉर्मूले से। तो लंब का मान 70 है तो 70 के सामने लंब 12 है, तो 12 बटा 5, और फिर आ जाएगा कर्ण बटा आधार 13 बटा 5, आधार दोनों 5 इसलिए 5 5 लस 5 आ गया, ऊपर दोनों का योग हो गया, तो 12 13 25 होते हैं, 25 में 5 का भाग है तो 5 आ गया। तो इस प्रकार से ये लंब बटा आधार के फॉर्मूले पर क्वेश्चन है बेस तो किए हमने। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं जिसमें मान रख करके करने पड़ेंगे, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है वो है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर कितना होगा, ये पूछा गया है। यानी कि हमारे को कह दिया कि इसका मान ज्ञात करो, थीटा का मान कुछ भी नहीं दिया अभी, इसका कोई फॉर्मूला भी हमें पता नहीं है, अब हम क्या करेंगे, ना तो हमें कोई इसका फॉर्मूला पता है ना कोई हमें थीटा का मान दिया हुआ है, अब कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपकी बात बताई थी कि साइन और कोस हो ओनली और ओनली, जब साइन पूरे प्रश्न में साइन कोस लिखा हो तो थीटा का मान जीरो रखना है, और साइन कोस के अलावा यदि कोई दूसरी मान रखे हो तो फिर हमको थीटा का मान 45 रखना है, कितना रखना है 45 डिग्री। तो इस पूरे प्रश्न में जब हम थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे, तो रख दो 45 डिग्री सारे में, तो रहेंगे 1 प्लस कॉट 45 माइनस कोसेक 45 डिग्री, और 1 माइनस टेन 45 प्लस सेक 45, रख दिए मान मैंने सारे, तो 1 का मान 1 होता ही है, कोट 45 का मान कितना था अभी बताया था, टेन 45 और कोट 45 1 होता है, माइनस कोसेक 45 कितना होता है, तो कोसेक 45 होता है वो होता है रूट 2। इसी प्रकार ये हो जाएगा 1 माइनस टेन 45 1, और ये हो जाएगा सेक 45 का मान हो जाएगा रूट 2, तो 1 और 1 कितने हो गए 2 माइनस रूट 2, और ये हो जाएंगे 45 का, तो ये भी देंगे 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, यहां ये प्लस है, सॉरी देखो ये प्लस है, सारे मान यहां प्लस के थे, तो यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो सारे मान प्लस में रख दिए, तो अब मेरे पास आ गया 2 रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 2 प्लस रूट 2, यानी कि
ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि दो का स्क्वायर माइनस रूट दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर होता है चार और रूट दो का दो, चार में से दो के पीछे रह गए दो, इस आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया, वह आ गया दो। वापस समझिएगा, यानी कि जब हमारे पास एक प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा एक प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा है तो हमें इसका मान कितना होगा बताना है। तो इस प्रश्नों को जब ऐसे प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं हमारे पास, तो ऐसे प्रश्नों के लिए यदि सारे मान देखो साइन कॉस में तो है नहीं, यदि साइन कॉस में होते थीटा जीरो रखते, लेकिन साइन कॉस में नहीं है तो हमें थीटा रखना है 45 डिग्री का। यह हमें ट्रिक थी, मैंने अभी भाषा लिखाई थी आपको, फैक्ट लिखा जिसमें बताया था थीटा 45 रखेंगे तो एक प्लस कॉट 45 माइनस कॉसेक 45, एक प्लस टेन 45 माइनस सेक 45। और अभी मैंने बताया थे आपको कुछ मान याद करने के लिए, 12 मान में से देख लीजिए आप, ये सारे मान मौजूद है, उन 12 मानों में से देखते हैं सभी मान में। मैंने कहा था कि 45 वाले मान आपको सारे याद करने हैं, कॉट 45 का मान एक होता है, कॉसेक 45 का मान रूट दो होता है, टेन 45 का मान एक होता है और सेक 45 का मान रूट दो होता है। तो ये हो जाएगा एक प्लस एक माइनस रूट दो, एक प्लस एक प्लस रूट दो, तो एक और एक हो गए दो, दो माइनस रूट दो और ये दो प्लस रूट दो, दो माइनस रूट दो, दो प्लस रूट दो, फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से जब इसके वर्ग करेंगे तो हमारे पास में मान आगे आ गया दो का। एक इस प्रकार का और क्वेश्चन करते हैं अभी, जिससे आपको बेस्ट समझ में आ जाएगा। तो यह था इसका क्वेश्चन। अब अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि sec थीटा माइनस cos थीटा, sec थीटा माइनस cos थीटा बराबर x, दूसरा है cosec थीटा माइनस sin थीटा बराबर y। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस तीन का मान कितना होगा, ये है। यानी कि ऊपर दो मान दे रखे हैं, एक्स और वाई के मान दे रखे हैं, अब आप कह रहे हैं कि इसमें ये एक्स और वाई के मान रखो और इस पूरे समीकरण का मान ज्ञात करो। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हम देख करके घबरा जाते हैं। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि यदि सारे मान साइन में या कॉस में होते हैं तो थीटा जीरो रखते हैं, लेकिन साइन कॉस में नहीं होते हैं तो कुछ मान अलग हो जाते हैं, तो कुछ थीटा का मान यहाँ रखते हैं 45 डिग्री का। तो यहाँ सेक के यहाँ कॉसेक के तो थीटा रख देते हैं, इसमें 45 रखते हैं। तो थीटा का मान जब मैं 45 डिग्री रखता हूं तो देखना अभी आपके सामने बहुत ही फास्ट आंसर आ जाएगा, सेक थीटा यानी सेक 45 माइनस कॉस 45 बराबर एक्स। तो यहां से देगा सेक 45 का मान होता है आपका एक और ये होता है एक बटा रूट दो। तो इसको सॉल्व करते हैं, सेक 45 माइनस कॉस 45, तो सेक 45 का मान कितना, सेक 45 आपका आ जाएगा वो आ जाएगा रूट दो। हाँ, सेक 45 का मान रूट दो होता है, तो रूट दो और कॉस 45 का मान होता है एक बटा रूट दो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लसप लेंगे, लसप आ जाएगा एक रूट दो, रूट दो दो बटा एक यानी एक बटा रूट दो आ जाएगा। कैसे आएगा आप लसप लेके देखेंगे, तो देखो मैं बता देता हूँ, रूट दो लसप आ गया, रूट दो को रूट दो से बनाएंगे दो माइनस एक, ऊपर आ जाएगा एक बटे में रूट दो। तो इसका मान आ गया हमारे पास रूट दो। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे कॉसेक 45 माइनस साइन 45, तो ये भी मान होते हैं आपके बराबर y, तो ये भी मान लेंगे रूट दो माइनस एक बटा रूट दो, इनकी y का मान भी आ गया एक बटा रूट दो। x और y के मान दोनों हमने ज्ञात कर लिए, तो x का मान और y का मान सेम आ गया, तो अब यहां मान रख दो, तो एक बटा रूट दो का वर्ग करते हैं तो एक बटा दो हो जाएगा, फिर एक बटा रूट दो का वर्ग करेंगे तो एक बटा दो हो जाएगा, फिर रूट एक बटा दो का वर्ग करेंगे तो एक बटा दो हो जाएगा, फिर वर्ग करेंगे तो एक बटा दो हो जाएगा, तीन को तीन बटा एक लिख सकते हैं। मैंने एक बटा रूट दो का स्क्वायर करना है क्योंकि एक्स और वाई के मान ऊपर स्क्वायर सारे स्क्वायर की थे, रूट हट जाएंगे और संख्या रह जाएगी। अब यह जाएगा एक बटा चार,
इनका लसप लिया तो लसप आ गया दो, तो एक प्लस दो का भाग छह, छह और एक सात, यानी कितना आ गया आठ बटा दो, तो हो जाएगा एक बटा चार गुना आठ बटा दो, तो ये कर देंगे दो बार, तो दो से दो कट जाएगा पूरा ही, तो हमारे पास उत्तर आ गया इसका एक। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया एक। कैसे आया, इनको सॉल्व करेंगे तो आठ बटा दो एक बटा चार का गुणा करते हैं, तो एक बटा चार का गुणा किया तो ऊपर आठ है नीचे भी आठ जाएंगे उत्तर आ जाएगा एक। या तो आप काट सकते हो नहीं तो सीधा भी देख सकते हो, एक इंटू आठ बराबर आठ, चार इंटू दो बराबर आठ, और आठ बटा आठ का मतलब होता है एक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था जिसमें हमने साइन थीटा का मान रखते ही हमारे पास में आंसर आ गया। अभी मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी कि जब केवल साइन का मान होगा, क्योंकि सारे मान साइन कॉस में होंगे ये, तो हम थीटा जीरो रखेंगे, और साइन कॉस के अलावा है कोई भी मान एक साथ में एक्स्ट्रा आ गया तो फिर थीटा का मान 45 रखेंगे, ये ट्रिक है। अब आता है कि जैसे एक और मैं ट्रिक बताता हूं आपको सामने की अच्छी सी एक अच्छा फॉर्मूला है, इस प्रकार क्वेश्चन हमें काफी बार पूछे जाते हैं, तो एक और फॉर्मूले की ट्रिक है, वो ट्रिक है यदि हमारे पास में a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर m, a साइन थीटा माइनस b साइन थीटा सॉरी ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर एन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा। अब देखो क्या इस समझ ट्रिक को आपको ध्यान में क्या रखना है, तो इस ट्रिक को आप एक बात ध्यान रखनी है कि जब हमारे पास में कोई संख्या ए और बी कॉमन हो दोनों में, ए और बी दोनों में कॉमन हो, दोनों के साथ जो गुणा होता है अल्टरनेटिव चेंज हो जाता है, ए के साथ साइन था वापस ए के साथ कोस आ जाए, बी के साथ कोस था वापस बी के साथ साइन आ जाए, चिन्ह बदल जाते हो, पहला तो कि दोनों में कॉमन संख्या सेम हो, साइन कोस हो, अल्टरनेटिव चेंज होते हो और निशान बदल जाते हो, साथ में कोई संख्या एम और एन हो, तो इनका यह संबंध होता है हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन करता हूं मैं इसके ऊपर आधारित, तो क्वेश्चन से आपको समझाइए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि तीन साइन थीटा प्लस पांच कॉस थीटा बराबर पांच है, और फिर लिखा हुआ है कि पांच साइन थीटा माइनस तीन कॉस थीटा बराबर कितना होगा। अब देखो यहां पहले तीन के साथ साइन था, यहां तीन के साथ कॉस है, पांच के साथ कॉस था, पांच पांच के साथ साइन है, ऊपर नीचे देखते हैं तो हमें संख्या पता चल गई, दोनों के साथ जो कॉफिशियंट थे जो अभिनिष्ठ संख्या थी उनके साथ में ट्रिग्नोमेट्री अनुपात अलग अलग है, निशान भी दोनों में एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इसका ट्रिक था क्या था कि अभिनिष्ठ संख्या का स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए का मान तीन मान लो, बी का मान पांच मान लो, तो तीन का स्क्वायर प्लस पांच का स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इनकी पांच का स्क्वायर प्लस ये मैंने कोई एक्स स्क्वायर मान लिया। अब ये पांच स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, तो या तो आप इस तरफ ला करके काट सकते हो, और यदि दोनों तरफ प्लस के देखते हैं सेम सेम ही है तो आप सीधे काट दोगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया तीन का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो एक्स का मान आ गया तीन, इनके यहां एक्स का मान कितना आएगा तीन आएगा। इस प्रकार की ये ट्रिक थी। एक और इसका क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, तो आप ये पहले क्वेश्चन नोट कर दीजिए, फिर ट्रिक रखता हूं मैं ऐसे सामने लिखी हुई आपके, कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो अपने को याद रखने पड़ते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट दो कॉस थीटा है, इसी प्रकार कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान कितना होगा। अब देखो इस ट्रिक को मैं आपको इस क्वेश्चन को इसी ट्रिक से करके बताता हूं।
यहाँ मेरे पास में कोई संख्या नहीं है, मतलब सबके साथ में एक कोफिशियंट है नहीं है, सबके साथ एक गुणा है या नहीं, एक गुणा सबके साथ है। एक को चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई एक बार एक के साथ कॉस आ रहा है, एक बार साइन आ रहा है, एक बार एक के साथ कॉस आ रहा है, एक बार साइन आ रहा है, निशान बदल रहे हैं, इनकी सेम फॉर्मूला लग रहा है। ए का मान भी एक है, बी का मान भी एक है। तो मुझे ज्ञात करने के लिए मैं लिखूंगा एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर बराबर रूट दो कोस थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स मान ले तो एक्स का स्क्वायर, यही होगा। क्योंकि ए स्क्वायर, ए का मान भी एक है, बी का मान भी एक है, एम का मान दे रखा है पूरा, और एन का मान ज्ञात करना, एन का मान मैंने एक्स स्क्वायर मान लिया। इसको सॉल्व करूंगा तो एक का स्क्वायर भी एक होता है, एक का स्क्वायर भी एक होता है, एक और एक जोड़ने पर दो आते हैं। इसको मैं कोष्ठक खोलूंगा तो रूट दो का हो जाएगा दो, और कोसेक का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर मान ज्ञात करना है तो ये पूरा पद पक्षांतर कर लो, इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा दो माइनस दो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। यहां दोनों में से देखो दो बाहर निकाल देते हैं तो यहां रह जाएगा एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, और एक माइनस कॉस स्क्वायर मैंने एक सरस में लिखा ही थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, और यहां से मैंने लिखा था कि एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इस सर्व समीका से मैंने अभी लिखा था आपको ऊपर। तो यहां से मैं एक माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर, तो मेरे पास में आ गया एक्स स्क्वायर बराबर दो साइन स्क्वायर थीटा, और जब स्क्वायर हटाऊंगा तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट दो साइन स्क्वायर हट जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि एक्स का मान आ गया अंडर रूट दो साइन थीटा। तो इसका मान आ गया हमारे पास अंडर रूट दो साइन थीटा। इस प्रकार ये हमारी ट्रिक थी जो हमें ध्यान में रखनी थी। साथ ही साथ में एक और अगली ट्रिक समझते हैं हम, इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं जो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ ट्रिक होगी। ट्रिग्नोमेट्री में जो आर्मी एयरफोर्स तक के लेवल की तैयारी करते हैं, एलडीसी रेलवे तक की, तो उसमें ये इस प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री के हाई लेवल के क्वेश्चन ज्यादा ना आते, इसी प्रकार के आते हैं बेसिक। तो लास्ट इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि यदि हमारे पास लिखा हुआ आता है कॉस एक डिग्री इंटू कॉस दो डिग्री इंटू कॉस तीन डिग्री डैश 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 कोस 179 डिग्री, इसका मान क्या होगा, सब सारी गुणे में संख्या ये, यानी कि कोस एक से लेकर के कोस 180 तक गुणे में संख्या दे रखी है, इसका मान कितना होगा। अब मुझे कोस एक का मान भी पता नहीं है, कोस दो का मान भी पता नहीं है, कोस तीन का मान भी पता नहीं है, तो सारे के सारे मान ये कोस है। तो अब मुझे क्या करना है कि इस प्रकार के मान मुझे पता नहीं है, मैं इसका कह सकता हूं आंसर का जीरो आएगा। आप भी बता सकते हैं कि जीरो क्यों आएगा, क्योंकि इस संख्या पूरे में लिखते जाएंगे तो बीच में एक ऐसी संख्या आएगी जहां आएगा कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान मुझे पता है जीरो होता है। कॉस 90 इस लाइन के बीच में कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा कॉस 90, और कॉस 90 का मान जीरो है, और फिर आप किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो सब गुणे में हो और साथ में जीरो गुणे में होता है तो पूरा का पूरा आंसर हो जाता है वो जीरो हो जाता है। ये एक फॉर्मूले थे ध्यान रखने थे। इसी प्रकार यदि आ जाए हमारे पास कि टेन एक डिग्री टेन दो डिग्री टेन तीन डिग्री डैश 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 टेन 89 डिग्री, अब इसका मान कितना होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हमें यह देखना है कि
टेन के लिए जब होता है टेन या कोट के लिए ट्रिक लगेगी कि टेन या कोट के लिए जब ऐसे मान आ जाते हैं तो आप देखना पड़ेगा कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 90 होता है या नहीं होता है। तो गुण 90 और एक 90, इसी प्रकार यहाँ 88 और 2 90 हो जाएंगे, यानी कि टेन एक डिग्री गुणा टेन गुण 90 डिग्री, तो कितना बन गया ये बन गया आपका टेन 90 डिग्री। इसी प्रकार 90 बनता है, योग 90 बनता है, आप ये ध्यान रखना है कि जब टेन एक और टेन गुण 90 का यदि योग 90 बन जाता है, कितना बन जाता है 90 डिग्री, तो इसका आंसर हमेशा एक होगा। जब भी दो संख्याओं का योग आपस में 90 बनता है, यहां ये बन रहा है, यहां आएगा अगला टेन 88 में दो जोड़ोगे 90 आएगा, फिर टेन 87 आएगा, 87 में तीन जोड़ोगे तो 90 आएगा, तो दो संख्याओं का योग 90 बन जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा एक। इसी प्रकार यदि मैं आपको पूछ लूं एक क्वेश्चन और, तो मैंने पीछे अभी ट्रिक लिखी थी रिवीजन के रूप में कि इसका मान कितना होगा, किसका मान, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी, और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर क्या, इनकी इसका मान कितना होगा। तो ये आपका एक आज में थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन है जो होमवर्क दे रहा हूं, यानी कि एक क्वेश्चन आप उस ट्रिक से कीजिएगा, और कुछ मान आप ऐसे भी रख सकते हैं जिसमें आपको साइन के मान कॉस के मान जीरो रख के करने पड़े तो वो भी करिए। और यदि हमारे पास एक इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, एक ट्रिक और लिख दीजिए, यदि आ जाए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2/3 है, sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2/3 है, तो sec थीटा प्लस टेन थीटा 3/2 होगा, यानी कि sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2/3 है तो sec थीटा प्लस टेन थीटा 3/2 होगा। sec और tan के लिए और cot और cosec के लिए ट्रिक लगेगी, ये तो इसके लिए लगेगी। और यदि इसी प्रकार आ जाए कि कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 2/3 है तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान 3/2 हो जाएगा, यानी कि जब सेक और टेन के मान में इस प्रकार से दे रखा है बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो मान उल्टा हो जाएगा, यदि प्लस में दे रखा है माइनस होगा तो ऊपर मान हो जाएगा। यानी कि दो फैक्ट याद रखने हैं आपको, इंपॉर्टेंट है क्या बात याद रखनी इस लाइन में, कि यदि हमारे पास में sec थीटा और tan थीटा का मान आपस में किसी संबंध के बराबर या तो जोड़ या घटाव में दे रखा है और उसका विपरीत हमें पूछा गया है, यदि जोड़ में दिया हुआ है तो गुणे बाकी में पूछेगा, बाकी में दिया तो जोड़ में पूछ रहा है, सेम संख्या के मान निशान चेंज कर पूछता है, तो जो मान होगा उसका उल्टा मान हो जाएगा। एक तो किसके लिए, sec tan के लिए, और एक हो जाएगा cot sec के लिए। यदि cot sec का मान यदि घटाव में दे रखा है और मैं प्लस में पूछा है तो जो मान दिया है उस मान का उल्टा हो जाएगा, ये भी एक आपको ट्रिक के रूप में याद रखना है। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए, यदि आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और जितने भी अपने दोस्त हैं सबको फॉरवर्ड करना, और एक ही बात बोलना कि ज्यादा से ज्यादा चैनल के ऊपर सब्सक्राइब लावें और वीडियो को पूरा देखने का कष्ट करें। धन्यवाद।